अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज कंसल्टेंट एडिशन अधिका फान, करंटली वर्किंग इन सियालकोट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ एग के बारे में, एग योक के बारे में। आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे ही मौसम चेंज होता है या वेदर तब्दील होना शुरू होता है, गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है, तो एक बहुत ज़्यादा सुनने को बात मिलती है, अंडा नहीं खाना, गर्म होता है अंडा नहीं खाना, अंडा देना नहीं है मुँह पक जाएगा, अंडा खाने से मेदे में गर्मी हो जाएगी, अंडा खाने से जो है वो आपका बीपी हाई हो जाएगा। मोस्टली जो बीपी के पेशेंट हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो क्या करते हैं कि अंडे को जर्दी के बगैर इस्तेमाल करते हैं। एक और गलती कर रहे होते हैं, गलत प्रैक्टिस चल रही होती है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अंडों की सफ़ेदी का इस्तेमाल करते हैं, एग वाइट का इस्तेमाल करते हैं और एग जो को डाइट में से निकाल देते हैं। इस तरह ही जो बीपी का पेशेंट है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए, हार्ट का मसला है, तो वो क्या करते हैं कि अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करते हैं और जर्दी निकाल देते हैं। सो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अंडे की जर्दी निकालने से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आप गलती पे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अंडे की जर्दी निकालने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो आप गलती पे हैं। अंडा खाने से या अंडे की जर्दी खाने से बीपी रेज नहीं होता, अंडा खाने से या अंडे की जर्दी खाने से शुगर ज़्यादा नहीं होती। मसला कहाँ आता है, जब आप बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो सब आपकी शुगर बढ़ाती हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स आपकी शुगर बढ़ाती हैं, कोला ड्रिंक्स आपकी शुगर को बढ़ाती हैं, ना कि अंडे की जर्दी आपकी शुगर को बढ़ाती है। जी हाँ, बीपी को कम करने के लिए, हार्ट के मरीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूर होता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अंडे की जर्दी को निकाल दें। अंडे की जर्दी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपने अंडे की जर्दी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं छोड़ना। अंडे की जर्दी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, ब्रेकफास्ट में आपने अंडे को जर्दी के साथ लेना है, और इसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन 6 होता है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या जो छोटे वीनिंग वाले बच्चे होते हैं, सबके लिए अंडा जो है ज़रूरत है, और एग जो है उनको जर्दी के साथ देना चाहिए, जर्दी के साथ एग लेना चाहिए। ना इससे शुगर रेज होता है, ना इससे बीपी का मसला होता है, ना इससे और अमराज होते हैं। शुगर का मसला जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेने से, बेकरी प्रोडक्ट्स लेने से, कोला ड्रिंक्स लेने से और इस तरह की ज़्यादा जो है नाशास्ता चीज़ों से होता है। सो होप सो आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अंडे को हमेशा सर्दी के साथ लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।